वेंट्रीमीटर एक मशीन या एक डिवाइस है, बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, विच इज यूज टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। मतलब ये क्या करेगा, वेंट्रीमीटर बड़ी मशीन है, ये ऐसी छोटी सी मशीन नहीं है, बड़ी मशीन होती है, और क्या होता है पाइप्स होती हैं इसमें, जैसे बड़ी पाइप है फिर छोटी पाइप हो जाती है, और यहाँ लिक्विड के कुछ कॉलम्स होते हैं या ट्यूब्स होती हैं, जितना तेज़ी से लिक्विड जाएगा या ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे मान लो पानी बह रहा है, यहाँ पे पानी बह रहा है, कोई कहेगा कि बताओ इसका वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड कितना, देख के बताओ। मैं देख के कैसे बताऊँ, मैं वेंट्रीमीटर की दो पाइप बीच में डाल दूंगा या वेंट्रीमीटर में से पानी को पास करवाऊंगा, यहाँ से ओपनिंग होती है, मतलब उस मान लो यहाँ पानी बह रहा है, मैं वेंट्रीमीटर को बीच में रख दूंगा तो पानी इसमें से बह के जाएगा, जब इसमें से बह के जाएगा तो यहाँ पर लेवल आ जाएगा लिक्विड का, तो मैं मेजर करके बता दूंगा कि कितना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। कैसे, ये क्या करता है कि सपोज करो, सबसे पहला पॉइंट, इसका जो एरिया है ट्यूब का, मान लो वो ए वन है, बना लो, इसका एरिया ए टू है, बना लो यहाँ पर ए वन ए टू, और यहाँ पर वेलोसिटी वी वन वी टू, तो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी हम कर ही सकते हैं, तो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने इक्वेट कर दिया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, वी टू आ गया, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी टू आ गया, वेलोसिटी आ गई, मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। अब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है, या तो ए वन वी वन होता है या ए टू वी टू, मुझे ए वन ए टू तो पता है पर मुझे फिर से वी वन वी टू नहीं पता। ऐसी प्रॉब्लम हमने आज न्यूमेरिकल में भी डिस्कस की थी, वो वेंट्रीमीटर का न्यूमेरिकल था, तो वी वन वी टू नहीं पता तो क्या लगेगी, बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं, तो वन और टू पर बर्नौलीज लगा दी, जब बर्नौलीज लगाई तो एच वन एच टू को तो छोड़ ही दो, ये टर्म बच गई, इस टर्म में ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे अब लिख लेना थोड़ा सा, यहाँ पर यहाँ पे P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू रो राइट साइड पे चला गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये लिख लो प्लीज, ये सीधा स्टेप कर रहा है, एक स्टेप बीच में लिख लो, ये टर्म आ गई, और ऊपर हमने V2 निकाल रखा है ऑलरेडी, V2 क्या निकाल रखा है, A1 बाय A2 इंटू V1 माइनस V1 स्क्वायर, ये देखो, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हमने V2 को निकाल रखा है, तो पुट कर दिया, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो यहां से P1 माइनस P2 V2 की जगह वैल्यू पुट कर दी, और लास्ट स्टेप इसमें काम करो, हाफ इंटू रो V1 स्क्वायर कॉमन निकालो, तो क्या बचा, A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ये रहा, ऐसे बचेगा, ठीक है यहां तक। तो यहां से सॉल्व करके आपके पास ये टर्म आ गई, एलसीएम लेके ये टर्म आ गई, तो क्या निकाल दिया मैंने, P1 माइनस P2, ये आ गया P1 माइनस P2, ठीक है, स्टेप क्लियर है, कुछ किया ही नहीं, पर नॉलेज थ्योरम लगा दी, वहां से P1 माइनस P2 निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से V2 को V1 की फॉर्म में लिख लिया, सिंपल। तो ये मेरे पास क्या आ गया, P1 माइनस P2, लेकिन यहां ट्यूब में, यहां ट्यूब में प्रेशर का डिफरेंस यहां से भी आ सकता है, एच रो जी, जैसे यहां का प्रेशर P1 है, यहां का P2 है, तो एच रो जी डिफरेंस आएगा, तो यहां से सीधा लिख सकते हैं P1 माइनस P2, ये रहा P1 माइनस P2 इज एच रो जी, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, ये मैंने इक्वेट कर लिया, तो जब मैंने इक्वेट किया, सॉल्व करके क्या निकाल लिया, V1, मुझे V1 तो चाहिए था, V1 आ गया, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड क्या है, A1 V1, इस V1 को पूरा का पूरा यहां पुट करो, या मिसिंग है A2, A2 भी लगाओ, यहाँ पे करेक्शन है, ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। तो मेरे हिसाब से कोई याद करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जो वेंट्रीमीटर का क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल की फॉर्म में आएगा, तो या तो आप सीधा इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगा लेना उस पर, तो जैसे आज न्यूमेरिकल किया था, V1 V2 में रिलेशन आएगा, फिर दूसरा काम क्या करोगे, बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौलीज थ्योरम लगाओगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा, बस दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके V1 आएगा, A1 V1 से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसमें V2 चाहिए नहीं ना,
ओ ये V2 नहीं है, A1 A2 है, सॉरी ये लगाया, ये हटाया है, हटाना है, A1 A2 है ये। अब V2 को काट के A2 लिखना है, A1 A2 की फॉर्म में है।